मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत धरोद अंतर्गत ग्राम उजागरिया में लंबे समय से प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में मध्यान्ह भोजन, बच्चों के पीने के पानी के साथ ही विद्यालय में समय समय पर शिक्षक नहीं आने के साथ ही अन्य समस्याओं की शिकायत ग्रामीण जनों ने पंच वर्षा राठौर चुंडावत को बताई, जिसके बाद पंच ने ग्रामीण जनों द्वारा बताई गई शिकायत को महिला बाल विकास के जिम्मेदार पदाधिकारियों को अवगत करवाया। वही पंच की शिकायत के बाद तुरंत जिलाधिकारी ग्राम उजागरिया पहुंचे और प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और कार्य में लापरवाही बरतने वालों से अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मांगी और व्यवस्था सुधार के बारे में पंच सहित ग्रामीण जनों को आश्वासन दिया गया। सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, बर्तन रखा है और ये प्लेटों की स्थिति सब झूठी रखी है, ये प्लेटों के बर्तन सारे झूठे रखे हैं, बर्तन ये टूटा हुआ है जो भी है ये, और ये 2 किलो रहे हैं। हमारे 15 अगस्त के दिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आए ही थे, पूरे 2 घंटे लेट थे, झंडा वंदन हो चुका था और उसके बाद वो आए थे। और सहायिका में जैसे भी केवल एक सहायिका यहाँ पर उपलब्ध होती है, उनका भी हम आपको इंटरव्यू, जो यहाँ पर रेगुलर उपलब्ध होती है उनका इंटरव्यू भी हम आपको बता देंगे। और कहते थे कि मध्याह्न भोजन यहाँ किचन शेड में बनता नहीं है और बच्चे बर्तन स्वयं साफ करते हैं, तो उसका तो मुझे आश्वासन मिला है सर की तरफ से कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा और ये व्यवस्था सुधार ली जाएगी, भोजन यहीं पकाया जाएगा, नहीं तो फिर समूह को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी शिकायतें थी कि हमें सामग्री नहीं मिलती है, तो ऐसा यहाँ सर का कहना है कि आगे से ही मतलब इतना आता ही नहीं है कि हमें पूरे, और ये कहना है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो 2021 से ही मिली हैं तो कैसे हम बांटते, और सामग्री नहीं मिलती है तो आगे से नहीं मिलती है, तो भाई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरा जानकारी है कि विधायक ने और विधायक जी ने और सांसद जी ने हमें भरपूर राशि दी है, उन्होंने हमें हमारे गांव को 13 सिलाई मशीनें भी दी हैं, और विधायक जी ने अपनी निधि से और सांसद निधि से हमारे यहाँ पर रोड भी बनी है, तो आगे से तो हमारे पास भरपूर पैसा आ रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी ने भी हमें भरपूर राशि दी है और सुधीर जी गुप्ता ने भी भरपूर राशि दी है, पर ये अव्यवस्था है कहाँ से हो रही है इसकी जानकारी हमें अभी तक भी नहीं हो पाई। मैं तो अभी हाल फिलहाल जो भी ये विजिट हुई इससे संतुष्ट, पूर्णतः रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, तो हम एक RTI लगाएंगे आगे और ये जानना चाहेंगे कि हमें कितनी सुविधाएँ मिलती, कितना फंड हमारे गाँव को मिलता है पर्टिकुलर इस गाँव को, और अभी तक यहाँ पे कितना खर्चा हो चुका है। यहाँ पे विद्यालय में बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आंगन स्कूल के और आंगनवाड़ी के, उनके पानी बच्चों को पानी की पीने की व्यवस्था भी यहाँ नहीं दिखी गई, नहीं स्कूल की अब क्या जी पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे अपनी बॉटल स्वयं लाते हैं घर से। क्या मानते हैं इसकी लापरवाही की, इसकी प्रशासन की जिम्मेदार कौन इसका? कुछ तो लापरवाही प्रशासन की भी है, पंचायत ग्राम पंचायत की भी है कि भाई पंचायत से यहाँ पर पानी की टंकी वितरित होनी चाहिए, और ये स्कूल का किचन शेड जो है ये 5 सालों से बंद पड़ा है, तो भाई पंचायत इसको चालू करवाए, इसकी साफ़ सफाई भी हमने अपने निजी उससे करवाई है, केवल एक बार इसकी पूरे 12 महीने में केवल एक बार सफाई हुई थी, वो भी 15 अगस्त के पहले, उसके बाद इस स्कूल की बाउंड्री वॉल भी नहीं है, अगर कोई भी बच्चा तालाब में गिर जाता, पूरा तालाब भरा हुआ है, अगर कोई भी बच्चा तालाब में गिर जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या सुनना है आपको? जी मेरा नाम वर्षा राठौर चुंडावत, ग्राम पंच उजागरिया। समूह की शिकायत आई थी कि यहाँ पे जो समूह का खाना है एक तो क्वालिटी वाला नहीं दिया जा रहा, वो किचन सेट में नहीं वो बना रहे, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है, वो अभी बारिश का मौसम है किचन सेट में चूँकि पानी आ जाता है तो अभी वो स्कूल में बनाएंगे, वो बारिश खत्म होते ही वो अपना समूह किचन सेट में बनाएंगे, और समूह की मॉनिटरिंग अब स्वयं की जाएगी, उसके नाश्ता भोजन की गुणवत्ता का भी रोज निरीक्षण उनके माध्यम से फोटो मांगा के डेली सुपरवाइजर को भी भेज के करवाया जाएगा। और भी कुछ शिकायतें की गई थी? हाँ, शिकायत का इनका इशू था कि वहाँ साफ सफाई नहीं है, थोड़ा सामान भरा है कवाड़े टाइप का जो सामान उन्होंने भर रखा था, तो अभी देखा है तो अभी तो ऐसी कोई समस्या वहाँ पे नहीं बनाई है, और उनको बता भी दिया है कि जो यूजलेस सामान है तो आप उसको बाहर स्टोर में स्कूल के में आप रखवा दें, आप अपने वहाँ पे नहीं रखें। सर कहने की जागरूकता कमी दिखाई दी यहाँ गाँव में? हाँ, जागरूकता गाँव में, हाँ उनका कहना था कि जो भी एक्टिविटी रहती है गाँव में महिलाओं के लिए वो हमको जागरूकता भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है, इसलिए भी जो हमारी पंच महोदया मैडम है इनको भी बता दिया है कि जो समूह के ग्रुप इनका जो बना है उसमें भी जोड़ा जाएगा इनको, और जितनी भी विभाग से संबंधित कोई योजना की जानकारी आती है तो इनको उसके माध्यम से भी पूरे पंचायत को बताया जाएगा। खाद्यान्न भोजन का मामला सामने आया जिनको यहाँ से अनाज वहाँ से मिला, अंगूठा लगाया, वो समूह वाले का कहना ये रहा है कि हमने अंगूठा वहाँ पे गए हम लगाने के लिए, लेकिन हमको गेहूँ चावल उन्होंने बताया आया नहीं है, लेकिन जो दिखवाया गया है ऑनलाइन तो बता रहा है कि इनके समूह का गेहूँ चावल का उठाव हो गया है।
उन हितग्राही बात की है उनसे भी, फूड डिपार्टमेंट वालों से भी, पीडीएस वाले से भी, उनको बोला कि आप इनको यहाँ पे भेज दो, तो उनको वहाँ पे भेजा तो उसका भी निराकरण हो जाए। विद्यालय में लग रही है आंगनवाड़ी केंद्र कहीं नहीं, भवन की व्यवस्था भवन के लिए भेज रखा है, प्रस्ताव आया है उजागरिया के लिए, तो उसका प्रस्ताव गया है शासन को, तो वहाँ से स्वीकृत होकर आ जाएगा तो बन जाएगा। संतोष शर्मा परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास। समस्या थी मध्याह्न भोजन के संबंध में, बच्चे जो बर्तन साफ कर रहे थे, छात्र संख्या कम है, हमने समूह को निर्देश कर दिया बच्चे बर्तन नहीं धोएंगे, अब समूह को ये कार्य करना। किस तरह की कमियां पाई गई, शिक्षक पढ़े बच्चों में लिखे शिक्षक आए नहीं, समय पे नहीं आते, इस तरह की समय से आने का हमने निर्देशित कर दिया है, कभी कभी ये शिक्षक बताए कभी कभी लेट हो जाता है, बाकी हमने स्पष्ट कर दिया, पहले एक ही शिक्षक का थी, अब दो शिक्षक हुआ, अब ये समस्या समाधान है, बिल्कुल समय से स्कूल आएंगे। शाला में पानी की व्यवस्था भी नहीं है, इस तरह की समस्या पानी के लिए पेयजल की व्यवस्था भी पंचायत में व्यवस्था हो रही है, तब तक हमने समूह को निर्देश किया कि बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करें। क्या सुनना क्या पता था? शिशिर रिजर्वर की बीआरसीसी मल्लार। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।